के दिन हम कक्षा 12 की विदाई के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कक्षा 12 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं, उनका लगभग 12 वर्ष का विद्यालय का सफर रहा है। इन्होंने एक दूसरे के बचपन को अच्छी प्रकार से देखा है और अब किशोर वय अवस्था इन्होंने प्राप्त की है। इन 12 वर्षों का जो सफर रहा इनका विद्यालय में काफी रोमांचक रहा। हालांकि मैं केवल 3 साल से परिचित हूँ, लेकिन कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है उन्होंने मुझे काफी हद तक प्रभावित किया। मुझे ऐसा नहीं कि केवल विद्यार्थी शिक्षकों से ही सीखते हैं, शिक्षक भी विद्यार्थियों से सीखते हैं। मैंने भी कक्षा 12 के विद्यार्थियों से बहुत कुछ सीखा है। ये सभी बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं और मैं इस पर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका आगामी भविष्य उज्जवल हो। जब कभी भी विद्यालय की आवश्यकता है होगी तो निश्चित रूप से विद्यालय हर समय आपके लिए तैयार रहेगा। आपने इन 12 वर्षों में विद्यालय के प्रति जो समर्पण का भाव दिखाया, इन 12 सालों में कभी आप शिक्षकों से नाराज भी हुए, एक दूसरे से लड़े झगड़े, लेकिन फिर भी आज का जो दिन है वो पिछले 12 सालों का आपका जो भी अनुभव रहा उन 12 सालों को आपने आज के दिन में याद कर लिया होगा। एक विद्यार्थी अपने जीवन में विद्या अध्ययन करने के लिए जो विद्यालय जाता है उस विद्यालय से उसका आत्मिक लगाव जुड़ जाता है। यही आत्मिक लगाव मैंने कक्षा 12 के विद्यार्थियों में भी देखा। जिस प्रकार वो तन्मयता के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ विद्यालय की हर गतिविधियों में भाग लेते थे, कोई भी सेवा कार्य उनको बताया जाता था तो वो बिल्कुल तन्मयता के साथ एकाग्रचित होकर वो सेवा कार्य करते थे। मैं 3 सालों में मैंने ये वॉच किया है, इस बात को देखा है। मैं जब आया था जब शायद कक्षा 10 में अध्ययन रखते थे, कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12 तक का जो सफर रहा मेरे साथ, मेरे सभी शिक्षक साथियों के साथ सौहार्दपूर्ण रहा कि आप सभी बहुत प्यारे विद्यार्थी हो, आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं। मैं पूरे विद्यालय की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में काफी उत्तरोत्तर प्रगति करें। आपका पेपर जो ही आपके हाथ में आए उसको पहले 5 मिनट के लिए आप पढ़ें। जो प्रश्न भी तुमको पहले आ रहा हो उस प्रश्न को हल करो। ऐसा नहीं कि केवल हम सीरियल पकड़ने की पहले ही करना है उसके बाद दूसरा ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन सारे प्रश्नों को एक बार पढ़कर जो प्रश्न तुमको ठीक ढंग से आता हो सबसे पहले उसको प्रश्न का क्रमांक डालकर उसको अटेंड करो। शांति से 5 मिनट का समय दोगे तो हो सकता है कि रिकॉल हो जाए, तुमको पुनः स्मरण हो जाए कि हाँ मैंने उस समय ये प्रश्न याद किया था। हड़बड़ी नहीं करें। मुझे स्वामी विवेकानंद की 2 पंक्तियां इस समय याद आ रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को इंगित करते हुए, निर्देशित करते हुए कहा कि सबसे पहले एक विचार लो, थॉट, जो तुम्हारे मन में मस्तिष्क में चल रहा है उस विचार को, उस थॉट को अपने पास रखो और उसे संपूर्ण शरीर में उतारो। जितने भी उस विचार के अलावा जो विचार हैं उनको बिल्कुल साइड में रख दो, एक तरफ किनारा करके रख दो, तुम्हें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर एक विचार लेकर, एक लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ोगे जीवन में
तो उस लक्ष्य तक, उस शिखर तक आवश्यक रूप से तुम पहुंचोगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। बचपन में उनके जो गुरु थे उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था मंद बुद्धि होने के कारण, लेकिन कठिन परिश्रम किया और विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम शुमार है आज। हालांकि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किया वो आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर सका है। ये किसके कारण हुआ? उनकी लगन, मेहनत, लक्ष्य को साधने की जो कला है उसके कारण ये संभव हो पाया। उस तरह का उन्होंने अपने एक वक्तव्य में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था, सफल व्यक्ति मत बनो। तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? सफल व्यक्ति बनने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए मूल्यवान बनने का। सफलतम व्यक्ति और मूल्यवान व्यक्ति में काफी अंतर है। मूल्यवान व्यक्ति जिसमें सभी प्रकार के मूल्य हो, जैसे उदारता, दयालुता, इंसानियत, जब इन सभी मूल्यों के साथ कोई इंसान होगा तो उसे सफलता भी नहीं रोक सकती। किसी भी प्रकार की अगर असफलता, संकट भी आएगा तो भी अगर कोई मूल्यवान होगा, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि चरित्र सबसे बड़ा धन है, चरित्रवान अगर कोई व्यक्ति है तो उसे किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाए सफलता प्राप्त करता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि जीवन में अच्छी मेहनत करो, मूल्यवान बनो, अपने माता पिता की सेवा करो। ये तुम्हारा जो कक्षा 12 की विदाई है उसके बाद में तुम्हें कभी विद्यार्थी जीवन नहीं मिलेगा। स्कूली लाइफ, विद्यालय जीवन आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तुम आगे बढ़ोगे, कॉलेज में जाओगे। कॉलेज पास करने के बाद हो सकता है कि, मेरी तो शुभकामनाएं हैं मेरे विद्यालय की तरफ से कि सभी के सभी जितने विद्यार्थी हैं सब अच्छी जॉब प्राप्त करें, लेकिन कभी जीवन में स्कूली लाइफ नहीं मिलेगी तुम्हें। स्कूली लाइफ प्राप्त करने का एकमात्र विकल्प है अगर अपने जीवन में मूल्यों को उतारते हो। तो जीवन के मूल्य हैं, उनको अगर तुमने आत्मसात कर लिया तो किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी आपदा, बड़ी से बड़ी मुसीबत है उसको तुम हंसते हुए झेल लोगे और सफल होकर निकलोगे। आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।